माझी जी का विरोध, माझी जी का विरोध करने के लिए नहीं, ये उनकी मानसिकता है कि भाई एक दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति जिसको हमने दलित ही नहीं दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हम लोगों ने मान लिया और हमने उसको महादलित की श्रेणी दी। ये अहंकार मेरे मुख्यमंत्री का कि हमने जिसको महादलित की श्रेणी दी वो आज हमारे सामने विधानसभा में खड़े होकर कैसे चर्चा का हिस्सा बन रहा। यह अहंकार था उनको नीचा दिखाने का, उनको ये बताने का कि अरे हम तुमको बनाए, तुम्हारी क्या बात है, तुम कैसे ये सारी बातें कर। और इसी मानसिकता का जिक्र आज से नहीं लंबे समय से मैं मेरे मुख्यमंत्री की इस मानसिकता का जिक्र कर रहा, जिसका कारण रहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यही ना, यही कह के छोड़कर चले गए थे ना कि भाई हम लोग तो एनडीए के साथ लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते थे। यही कह के मेरे सारे सांसद छोड़कर गए ना मुझे। कैसे लड़ लेता मैं कैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिन्होंने सिर्फ दलित होने की वजह से मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों के पास अभी भी वो विश्वास होंगे जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आप लोगों के सामने बोल रहे थे, अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था, और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयासरत रहे।